वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ डीटीएच और केबल टीवी के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा डीटीएच और केबल टीवी ट्राई के एक नए रूल का काफ़ी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो अपडेट है आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग उस रिक्वेस्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, ट्राई के नए रूल आने के बाद से सभी ग्राहक बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि डीटीएच और केबल टीवी का बिल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं। तो इसी बीच दोस्तों ट्राई नए नए हथकड़े अपनाते रहता है जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो। तो बीच में ट्राई ने सोचा था कि डीटीएच और केबल टीवी के बॉक्सेस का सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी कराया जाए, यानी कि एक नेटवर्क जिस नेटवर्क के सर्विस से खुश नहीं है वो किसी दूसरे नेटवर्क के सर्विस को ले सकते बिना सेटअप बॉक्स बदले हुए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी टेक्निकली तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ करना। तो इससे रिलेटेड कंसल्टेशन पेपर भी ट्राई ने मांगा था। तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पे कि डीटीएच वालों ने तो काफ़ी ज़ोर शोर से, टाटा स्काई एयरटेल ने काफ़ी ज़ोर शोर से इसका विरोध किया है कि अगर डीटीएच सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी इनेबल कराया जाता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उन्हें टेक्नोलॉजी चेंज करने पड़ेंगे, उनके डिवाइसेस चेंज करने पड़ेंगे, उनके मौजूदा सेटअप बॉक्स उस लायक नहीं है कि पोर्टेबिलिटी कराया जाए तो उस पर सारा कुछ सपोर्ट करे। इसके बाद दोस्तों अब केबल टीवी ने भी डीटीएच सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी को काफ़ी ज़ोर जोर से नकारा है, क्योंकि उन्हें कहना एक ही है कि अभी मौजूदा टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज है, जो कैश है, एसएमएस है या सेटअप बॉक्स है या हेड एंड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उस लायक नहीं है कि डीटीएच पोर्टेबिलिटी सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी होने के बाद से किसी भी अगर सर्विस प्रोवाइडर एक से दूसरे पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको सारा फैसिलिटी या सारा चीज़ें उन्हें एक साथ मिल सके। क्योंकि अभी किसी भी डीटीएच कंपनी या केबल टीवी के ग्राहक हैं तो उनका भी सेटअप बॉक्स और वीसी कार्ड यूज़ करना पड़ता है। अगर सेम बॉक्स और वीसी कार्ड अगर दूसरे नेटवर्क के लाइन पे अगर आप लगाओगे तो वो कार्ड पर्टिकुलर कैश को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक कंपनी का डिफरेंट कैश सर्वर यूज कर रहे हैं। और बेसिकली मुद्दा यही है कि डिफरेंट कैश सर्वर होने के वजह से डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट कार्ड नंबर अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, जिस वजह से पोर्टेबिलिटी टेक्निकली पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो बता दो दोस्तों ट्राई यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही थी कि आने वाले जनवरी 2020 तक डीटीएच सेटअप बॉक्स और पोर्टेबिलिटी को ऑन कर लिया जाए, स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे बता दो कि डीटीएच पोर्टेबिलिटी होने के चांसेस एक बार फिर से काफ़ी कम लगने लगे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा विरोध हो रही है और मौजूदा टेक्नोलॉजी में नहीं हो पाएगा। साथ ही इससे होने के बाद से डीटीएच और केबल टीवी के एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर कहीं ना कहीं ग्राहकों के बिल पर ही पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।